सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दौरे पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संकट में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा, पिछले साल जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब बाढ़ आई थी, लेकिन उनके मंत्री तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं गए। मेरी सरकार तो सभी मंत्री बाढ़ और बचाव के काम में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम जान बचा रहे हैं और कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं। सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल के भी मंदसौर में बाढ़ आई थी, मंत्री भी प्रभारी मंत्री भी एक सप्ताह तक नहीं गए थे वहां। जब मैंने जाके दो दिन वहां लगातार बाढ़ के बाद बाढ़ उतरने के बाद धरना देके ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद कहीं पहुंचे। मुझे दौरे पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसी जिस ढंग का व्यवहार कर रही है, अब कल गुना जिले में कलेक्टर एसपी पूरा प्रशासन मेरे मंत्री और मैं स्वयं रात भर कुछ स्थानों पर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी थे, गुना जिले में, अशोकनगर जिले में, विदिशा जिले में हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे ताकि गरीब सुरक्षित निकाले जा सके, आम आदमी सुरक्षित निकाला जा सके, जनता सुरक्षित निकाली जा सके। और कांग्रेस केवल आरोपों की झड़ी लगा रही है, ट्वीट करते रहते हैं दिन भर बस, और वहां जिद कर रहे हैं गुना में कलेक्टर एसपी बचा रहे हैं लोगों को, और वहां ये कहा जा रहा कि नहीं कलेक्टर आके ज्ञापन ले। अब ज्ञापन ले कि लोगों को बचाए, जनता को राहत देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन और रात एक जुनून था, प्रधानमंत्री जी से बात हुई कई बार, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आए, आर्मी आई, बीएसएफ आई, एनडीआरएफ की टीमें आई, और ये कहते हुए मुझे संतोष है कि हमने 6000 से ज्यादा लोगों को तो जो बीच में फंसे थे वहां से निकाल लिया, 20000 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए, लोगों की जिंदगी बचाई। लेकिन वहां केवल टीका टिप्पणी आलोचना और घटिया राजनीति हो रही है। जिनके घर नष्ट हुए मैं आश्वस्त करता हूं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर मकान बना के दिए जाएंगे, उसके लिए राशि हम देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 1,20,000 रुपए दी जाती है, हम वो राशि देंगे, कहीं से भी इंतजाम करेंगे। तत्काल भी हमें दिमाग में आया कि अभी क्या करें, तो 6000 रुपए की राशि इसलिए कि अगर किराए का मकान कमरा कोई मिल जाए तो वहां रहे, नहीं तो त्रिपाल और बाकी जरूरत पूरी करे। इसलिए युद्ध स्तर पर सड़कों का भी तो कई जगह पानी भरा हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन हम तत्काल 6000 रुपए की राशि भी वो देंगे। अतिरिक्त घरों में रखा सामान अगर सड़ गया है, बर्तन साड़ी अन्न अनाज उग गया कई जगह, उसके लिए अलग से राहत की राशि देंगे। ईश्वर की कृपा से जान की हानि न्यूनतम हुई है, कोई कच्चा मकान गिरने से या कोई पुल से जबरदस्ती निकलने की कोशिश की ऐसी अगर घटना छोड़ दें तो लोगों की जिंदगी बचाने में हमने सफलता प्राप्त की है, लेकिन अगर कोई जान गई तो 4,00,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। पशु गाय बैल भैंस अगर बड़े हैं तो 30,000 रुपए की राशि देंगे हम, ये जरूरी है राहत। बकरा बकरी जैसे जो गरीब का साधन है उनको भी हमने तय किया 3,000, और मुर्गा मुर्गी भी गरीब के बड़े हैं तो 60 रुपया उसके भी देंगे। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। आर्थिक संकट है, इसमें कोई दो मत नहीं, कोरोना के संकट से हम उबर नहीं पाए, लेकिन चाहे कुछ करना पड़े हम व्यवस्था करेंगे और जनता को पूरी राहत पहुंचा के सामान्य स्थिति बहाल करने का प्रयास करेंगे।